तो मैंने चुना बिहार को पहला, इसलिए क्योंकि एक तो मेरा गांव है, मेरा घर है और मेरा प्रांत है जहां से मैं आता हूं, मेरी पहचान है। सच पूछिए तो मेरी पहचान आज भी एक बिहारी के रूप में हो, ये मैं ज़्यादा खुश रहता हूं इस बात को सोच में, क्योंकि पूरा सोशल नहीं है। और बिहार एक सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टेट है मेडिसिन का, जहाँ पे कोई भी मेडिसिन बनती नहीं है लेकिन कंज्यूम सबसे ज़्यादा होती है। और द मोमेंट आप कोई सोशल एक्टिविटी शुरू करते हैं, लोग ये मान के चलते हैं कि आपका जो फाइनल डेस्टिनी है वो पॉलिटिक्स है। अभी तक किसी पार्टी ने ना मुझे ऑफ़र किया और ना मैं किसी ऑफ़र का इच्छुक हूँ। आप बड़ा सा टीका लगाए, रुद्राक्ष की माला है, धोती और वो चादर, तो मतलब क्या राकेश पांडे लंदन में भी ऐसे रहते हैं क्या? मैं आपको बताऊँ, मैं लंदन में भी ऐसे रहता हूँ, मैं दुबई में भी ऐसे रहता हूँ। यूक्रेन में गवर्नर ने मुझसे एक सवाल पूछा था इंद्र मोहन जी की, मिस्टर पांडे आप आर यू ए फार्मासिस्ट, आर यू ए डॉक्टर और यू अ साइंटिस्ट? तो मैंने कहा मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं, टीवी में बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिशियन से ज़्यादा कॉल मैं चंपारण या बिहार के लोगों का उठाता हूँ, मैं किसी का कॉल मिस नहीं करता। और जो लोग भी सोशल मीडिया पे ये कर रहे थे उनका या तो कहीं दिग्भ्रमित थे या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कई बार बदनाम करने में भी नाम होता है, ऐसा कुछ मुझे लगा। फिर हम लोगों ने उस पर लीगल नोटिस वगैरह सर्व किया, फिर चीज़ें अपनी तरह चलती हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उस दो बच्चे के सिलसिले में सबसे पहले मुझे मनीष कश्यप ने संपर्क किया और मैंने उन दोनों बच्चों को फिर उनकी पूरी फीस, वहाँ जो फाइन थी वो भरी, उनको कपड़े वपड़े खरीदे, उनकी टिकट बनवाई और उनको बिहार भेज दिया। और उसके बाद जिसको भी उस पर लाइमलाइट लेना था या जिसको भी उस पर पॉइंट स्कोर करने थे उन्होंने किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। बिहारियों ने पूरे देश में डंका बजा रखा है, अपने टैलेंट के दम पर लोहा मनवाया है। बिहार में बाढ़ हो, सुखार हो या फिर कोरोना काल हो, हर एक आपदा के स्थिति में एक बिहारी का नाम सबसे ज़्यादा लिया गया और आपने सोशल मीडिया पर उस बिहारी को सबसे ज़्यादा देखा भी होगा। वो नाम है राकेश पांडे का। राकेश पांडे इस वक्त हमारे साथ है। ब्रावो फार्मा के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, यूँ कहें तो फाउंडर ही हैं। और जिस तरीके से बिहार में हर सिचुएशन में इन्होंने अपना साथ दिया, ये दिखाया कि बिहारी होने के नाते इनका कर्तव्य क्या है, कर्तव्य का निर्वहन कैसे करना है, वो कहीं ना कहीं अपने में खास है। और वहीं राकेश पांडे आपको खास बताता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या हाल बा? एकदम ठीक बा, बहुत बहुत धन्यवाद रोहन के कि बिहार तक के टीम हमारा एक खोजला था, पिछला एक 15 दिन से खोजा था लोग, खोज के हमारा के रोहन बोले नहीं है। तो पूरा टीम के बधाई और शुभकामना, यहीं रोहन चमकत रहीं, बरत रहीं और हमनियों के ख्याल रखत रहें। राकेश जी, अब बिहार में आयल वाली तो एक बार बिहार बदल नजर आयल बा? देखिए, बिहार कोनो ऐसा नहीं है कि एक रात में बदल जाए। तो कहावत है कि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे, तो एक रात में ना बदली, धीरे धीरे बदली, लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ बदलाव होता, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, लेकिन अभी बहुत बदलाव की गुंजाइश भी बा। ठीक है, बदलाव की तस्वीर पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आपके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जो बिहार के लोग हैं, जो आपको देखते हैं, आपके जो फॉलोअर हैं, वो जानना चाहते हैं कि इतना बड़ा नाम कैसे बन गया। एक बिहारी दूसरी कंट्री में जाता है, वहाँ डंका बजाता है और वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके बिहार में खर्च करता है, सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो वो शुरुआत जानना चाहेंगे कैसे ये आया कि अब आपको बाहर जाना होगा, एक कंपनी खड़ी करनी होगी। देखिए, मेरा एक बड़ा सिंपल फिलॉसफी है लाइफ का, ये क्लेम करने वाला चीज़ कि मैंने ऐसा किया इसलिए ऐसा हो गया, ये मैं नहीं करता। मेरा ये मानना है कि कर्मण्येमाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तो इसी लाइन पे, इसी फिलॉसफी पे जो भगवद गीता का है। और हम लोग, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर की बहुत कृपा थी और माँ बाप का आशीर्वाद था और मेरी पत्नी का भी बहुत सहयोग था, क्योंकि वो मेरे को टाइम देती हैं इतना कि मैं अपने मन से सब कुछ कर सकूं। और एक डिज़ायर थी, एक कहते हैं कि आपके अंदर जब एक बहुत उत्कट इच्छा हो किसी चीज़ को करने की, तो ये प्लान नहीं था कि बाहर जाएंगे। प्लान तो इसलिए नहीं था क्योंकि मोतिहारी में पढ़ाई हुई 10वीं तक मंगल सेमिनरी से, फिर पटना आए तो वहाँ एडमिशन नहीं मिला, तो क्लास कहीं और करते थे, एडमिशन एक छोटे से कॉलेज में था, एफिलिएटेड कॉलेज था, तो ऐसा कुछ था नहीं। लेकिन चीज़ें जो आपको ड्राइव करती हैं, क्या होता है कि कई बार आपके जीवन में जो चीज़ें नहीं हैं, जो कमी है, वही आपके लिए ड्राइविंग फोर्स बन जाती है। क्योंकि आपके अंदर जब पाने की चाहत ज़्यादा हो, आपका एम्बिशंस बढ़ने लगे, तो लगता है कि आप ठोकरे खाने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसी तैयारी में शायद हम लोग कुछ ज़्यादा ही आगे चले गए, लेकिन इनके बावजूद भी बिहार का जो एक कल्चर है और बिहार की जो एक परंपरा है, जो बिहार की एक भावना है, उससे जुड़ा रहा आदमी और उसी जुड़ाव की वजह से वापस बिहार की तरफ आदमी आया।
एक अभी चर्चा कुछ दिन पहले की है कि आपने मोतिहारी में एक कंपनी का, कहें तो दवा कंपनी का, आपने आधारशिला रखी है, तो ये सोच कैसे, मतलब वहाँ से बैक टू द रूट कैसे? नहीं देखिए, हम लोग बैक टू द रूट नहीं बोलेंगे, हम लोग रूट से हमेशा जुड़े रहे हैं। आदमी छठ में तो ज़रूर घर जाता था, लेकिन और आप किसी को मदद भी करते थे, क्योंकि दरवाजे पे लोग आएंगे तो आप उनकी मदद करेंगे। मेरा ये मानना है कि जिस सोसाइटी से आप बिलोंग करते हैं और जो सोसाइटी आपको, आपके अंदर जो गुण और अवगुण प्रदर्शित करती है या समाहित करती है, उस सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। अब पे बैक करने का तरीका बहुत तरह का हो सकता है। आप पॉलिटिशियन बन सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, लेकिन हम लोग ने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन किए। लेकिन एक दौर आया जब लगा कि नहीं, अगर जो बेसिक मोटो है मेरा स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार का, उस पर काम करना है तो ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा और रियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, क्योंकि कमिटमेंट्स और कहानी की बातें से काम नहीं चलेगा। तो उस दौरान एक था हमारे साथ, एक प्रेशर था पिछले 2-3 सालों में कि हमारा जो अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में जो एक्सपोर्ट होता है उसकी यूरोप में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं इंडिया में कहीं मैन्युफैक्चरिंग लगाऊं। इनफैक्ट एक हैदराबाद भी अभी हमारा एपीआई का काम चल रहा है, तो मैंने चुना बिहार को पहला, इसलिए क्योंकि एक तो मेरा गांव है, मेरा घर है और मेरा प्रांत है जहाँ से मैं आता हूँ, मेरी पहचान है। सच पूछिए तो मेरी पहचान आज भी एक बिहारी के रूप में हो, ये मैं ज़्यादा खुश रहता हूँ इस बात को सोच कर। तो इस दौरान एक मन में ख्याल आया कि कहाँ इंडस्ट्री लगाई जाए, तो मुझे लगा अगर रोज़गार क्रिएट करना है और साथ में प्रॉफिट भी कमाना है, क्योंकि ये पूरा सोशल नहीं है, और बिहार एक सबसे बड़ा कंज्यूमर स्टेट है मेडिसिन का, जहाँ पे कोई भी मेडिसिन बनती नहीं है लेकिन कंज्यूम सबसे ज़्यादा होती है, और स्पेशली गंगा का जो वो पार है जो दरभंगा मोतिहारी ये सब क्षेत्र है। तो यही सोच के हम लोगों ने किया। इनफैक्ट 2019 से लगे हैं इस प्रोजेक्ट को करने में, बहुत सारे कंप्लायंस थे, बहुत सारे इश्यूज़ थे, वो रिजॉल्व होते होते फाइनली 2022 नवंबर दिसंबर में ये रिजॉल्व हुआ और फिर हम लोगों ने इसका शिलान्यास जो है अभी। तो ये दवा कंपनी कोई पर्टिकुलर बीमारी के लिए दवाएं बनाएगी या यूँ कहें कि एक जनरल मेडिसिन होती है? जनरल मेडिसिन तो हम नहीं बनाते हैं, हमारा सेक्टर भी नहीं है जनरल में। हम लोग पैरासीटामोल या ओमेपेराजोल या नॉर्मल ओटीसी ड्रग्स नहीं बनाते। हमारा जो मेन कोर एरिया है जिसमें हम लोग काम करते हैं, चाहे वो रिसर्च हो चाहे डायग्नोस्टिक्स हो, तो वो कैंसर है, हेपेटाइटिस है और इन्फेक्शियस डिजीज है। कुछ जीनोमिक्स के भी हैं जिसमें टी सेल पे काम करते हैं। तो खैर, इंडिया में अभी बिहार उतना परिपक्व नहीं है कि उतनी फोर्स नहीं है कि आप R&D में जाएं, लेकिन प्रोडक्शन जो है फॉर्मुलेशन का वो बेसिकली कैंसर और हेपेटाइटिस से ही रिलेटेड रहेगा और कुछ और वायरल्स की भी संभावना। एक जब कोविड का दौर आया था तो उस वक्त आपके भी एक मेडिसिन की काफ़ी चर्चा थी, लगातार बातें लिखी जा रही थी, और फिर से देखें तो कोविड का एक दौर फिर शुरू हुआ है, फिर केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि अभी भी कहें तो लाख पर केसेस की संख्या कम है देश में, उस तरीके से बात आ नहीं सामने रही है। तो क्या इसको लेकर भी आपने बिहार में कोई काम किया है, सरकार से कोई बातचीत हुई है या देश के स्तर पर आपकी स्वास्थ्य मंत्री से कोई बातचीत की, इस तरफ भी आप? क्या हम लोग इस लाइन पे तो एग्जैक्टली नहीं बोलूँगा। कोविड के टाइम पे तो जो अनऑफिशियली हम लोग से मदद हो सकती थी, कोई ऑन द रिकॉर्ड तो बहुत कुछ नहीं है, लेकिन जो हो सकती थी वो हम लोगों ने किया। लेकिन जो पैंडेमिक का सिचुएशन होता है वो कोविड के बाद भी फ्यूचर में पैंडेमिक आ सकती है, और हम लोग एक अभी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं कि जितनी एयरक्राफ्ट इंडिया से बाहर फ्लाई करती है या इंडिया में आती है फ्लाई करके, वो पैसेंजर तो कैरी करती है जो कि कैरियर हो सकते हैं, तो उसका तो आप एयरपोर्ट पे टेस्ट करते हैं, लेकिन उसके साथ जो फ्लूइड आता है, बॉडी फ्लूइड, मतलब सीवेज आता है, वाटर आता है जो आप जहाज़ उड़ने के दौरान इस्तेमाल करते हैं यात्रियों के द्वारा, उसकी एक प्रॉपर जांच की सिस्टम पे हम लोग ऑल ओवर पैन इंडिया पे काम कर रहे हैं। अभी बड़ा इनफैक्ट पहले चैनल है जिसमें मैं बता रहा हूँ, बट ये प्रोजेक्ट होगा तो एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा जिसमें आप ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आने वाले किस कंट्री से किस तरह का वायरस या किस तरह का वेरिएंट जो है, क्योंकि वायरस सिर्फ कोविड नहीं है, वायरस बहुत कुछ हो सकता है, तो उसकी कंसंट्रेशन और उसका जो जो प्रेजेंस है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये अभी बड़ा इनिशियल है बट हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। नहीं, एक जैसे सवाल होता है ना कि कहते हैं कि मतलब खास करके इंडिया में रिसर्च पे बहुत कम खर्च किया जाता है, और अभी तक जितनी मेरी आपसे बातचीत हो रही है उसमें ये समझ आ रहा है कि आपने रिसर्च पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। क्या ये चूंकि आप दूसरे कंट्री में थे इसलिए संभव हो पाया, इसीलिए आप इसको कर रहे हैं? देखिए, इंडिया एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, दूसरा इंडिया के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो कम हैं। एक्चुअल में आप देखेंगे तो इंडिया से बाहर जितने भी R&D हैं उसमें कहीं ना कहीं इंडिया के लोग ही, क्योंकि उनको US और यूरोप जो हैं वो कहीं ना कहीं R&D पर फोकस करते हैं। इंडिया ने भी अभी फोकस करना शुरू किया है, चूँकि मेरा काम धाम शुरू से इंडिया से बाहर रहा,
तो R&D जैसे जॉन्स हॉपकिंस के साथ काम करने का मौका मिला, और भी कई संस्थाएं, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन के साथ काम करने, अलग अलग विषय पर काम किया, बर्किन यूनिवर्सिटी के साथ काम किया जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी थी। तो हमारा उधर फोकस यही होता है, तो जो चीज़ें जहाँ उपलब्ध हैं और जिस चीज़ की जहाँ डिमांड है आप वही काम करेंगे। लेकिन अब यह है कि इंडिया में भी R&D बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, जो अभी वर्तमान सरकार है केंद्र में वो R&D पे काफ़ी मेहनत कर रही है और हम लोग भी उसका एक हिस्सा बनेंगे, ऐसी संभावना है। नहीं, जैसे अब चूंकि बिहार पे लौटते हैं, बिहार की बेसिक समस्या आप भी इसे समझ रहे हैं, एक तो बेरोजगारी, तो क्या ये मैं मानूं कि जब आप इस तरीके की फैक्ट्री डालेंगे तो अगर मैं एक क्यूमुलेटिव नंबर की बात करूँ कि लगभग कितना रोज़गार पैदा होगा बिहार में? देखिए, मेरा जो है ना, जैसे आपने राम सेतु का जब निर्माण हो रहा था तो बड़े बड़े लोगों ने बड़े बड़े पत्थर डाले और गिलहरी ने भी अपनी एक छोटी सी पत्थर डाली, तो हम लोग का जो कंट्रीब्यूशन है इतनी बड़ी सोसाइटी में वो गिलहरी के जैसा ही है। लेकिन क्या होता है, जब कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है या कोई सेक्टर डेवलप होता है तो एक तो होता है डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, एक होता है जो सीधा रोज़गार मिलता है जो लोग जैसे उनकी क्षमता के हिसाब से काम करते हैं। इसके अलावा इनडायरेक्ट डिप्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा होती है। कैसे होता है कि आप इमेजिन करिए कि अब मेरी यूनिट चालू हो जाए तो मुझे पैकेजिंग मटेरियल चाहिए, तो वो मैं दिल्ली से तो नहीं लाऊंगा, कोशिश करूंगा कि बिहार में कोई बनाना शुरू करे। तो पैकेजिंग में भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी पैकेजिंग होती है। उसी तरह से हो सकता है लॉजिस्टिक्स में आपकी गाड़ियाँ इस्तेमाल होंगी, लेबर्स इस्तेमाल होंगे, लोडिंग अनलोडिंग। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बड़ा होता है, डायरेक्ट से बड़ा होता है इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। और साथ में मान लीजिए जहाँ इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप हो रहा है वहाँ पे छोटे छोटे दुकान खुल जाएँ, कॉम्प्लेक्स खुल जाएँ, इनफैक्ट जैसे मोदी जी कहते हैं पकौड़ा भी बनने लगे तो वो भी बन सकता है। तो उसके जो 300 नंबर्स हमारा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का है, इनडायरेक्ट तो मैं अभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मेरा ये मानना है कि 500 लोग तो कहीं ना कहीं इससे लाभान्वित होंगे। जी, आपकी सोच बताती है राकेश जी की, आप बिहार को लेकर काफ़ी डेडिकेटेड हैं और आपने काम भी किया है बिहार को लेकर। ऐसे में आपको नहीं लगता कि आपकी तरह एक व्यक्तित्व की जरूरत पॉलिटिक्स में भी है? कभी किसी ने ऑफर किया किसी पार्टी की तरफ से आपको ऑफर आया? नहीं, ये सवाल मेरे से बार बार पूछा जाता है। मैं आपको एक बात बताऊं, बिहार वैसे तो पूरे भारत में, लेकिन बिहार में इस चीज़ की एक बहुत बड़ी मतलब कौतूहल सा होता है कि आप द मोमेंट आप कोई सोशल एक्टिविटी शुरू करते हैं लोग ये मान के चलते हैं कि आपका जो फाइनल डेस्टिनी है वो पॉलिटिक्स, और हमारे यहाँ समाज सेवी ही पॉलिटिकल का पहला हकदार माना जाता है। बट ऐसा होता नहीं है इंडिया से बाहर, और ऐसी मेरी मंशा भी नहीं है। अभी तक किसी पार्टी ने ना मुझे ऑफ़र किया और ना मैं किसी ऑफ़र का इच्छुक हूँ। रही बात कि आप कहेंगे कि आप कहीं ना कहीं किसी खास पॉलिटिकल ग्रुप से या पार्टी से या उनकी जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरा संघ से बहुत पुराना जुड़ाव रहा है, 89 से मैं संघ से जुड़ा हूँ। पहले मेरी शाखा होती थी राजस्थान में भरतपुर, अभी मेरी शाखा है मोतिहारी में ठाकुरबाड़ी, और मेरी शाखा है और मैं जुड़ा हूँ। तो जब जो जो पार्टी संघ की आइडियोलॉजी को मानती है हम भी उसी की तरफदारी करते हैं, और ह्यूमन बींग है तो हमारा कहीं ना कहीं इंक्लाइनेशन जरूर होगा, चाहते हैं। और अच्छी पार्टी है, अच्छा काम कर रही है तो करे। तो अगर BJP ऑफर करती है नहीं तो अगर मगर मैं जाना नहीं चाहता हूँ। अगर मैं राष्ट्रपति बन जाऊँ, अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, मैं अगर मगर इसकी पॉसिबिलिटीज है, आपने वाकई काम किया है। नहीं देखिए, मैं आपको फिर कहूँगा कि पॉलिटिक्स मेरा लास्ट चॉइस होगा मेरे लाइफ का, क्योंकि मेरे लाइफ में मेरा मुझे बड़ा नाम चाहिए और काम करके चाहिए, सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करके नहीं चाहिए। मैं जनरली, मेरा एक ट्रेंड होता है कि मैं अगर कोई चीज़ लिख देता हूँ सोशल मीडिया पे, आज तक मैंने कोई पोस्ट डिलीट नहीं किया, और मैं कुछ लिख देता हूँ तो उस चीज़ को चाहे 1 साल लगे 2 साल लगे मैं करता हूँ। नहीं, एक तस्वीर सोशल मीडिया की, चूँकि आप जिक्र कर रहे हैं, एक आपकी तस्वीर आती है उसकी प्रोफाइल में जिसमें आप बड़ा सा टीका लगाए, रुद्राक्ष की माला है, धोती और वो चादर, तो मतलब क्या राकेश पांडे लंदन में भी ऐसे रहते हैं क्या? मैं आपको बताऊं, मैं लंदन में भी ऐसे रहता हूं, मैं दुबई में भी ऐसे रहता हूं, और मेरे जो मित्र हाथों में कलाबा मैं अभी भी है, देखिए मैं पहना हुआ, मैं जाऊंगा, इनफैक्ट कल मैं, एक इस्लामिक कंट्री है उज्बेकिस्तान, वहां जा रहा हूं, वहां की गवर्नमेंट ने मुझे ऑनरेरी डॉक्टरशिप दिया है, हमारे स्वास्थ्य सेक्रेटरी भी हैं भारत सरकार के, वो भी जा रहे हैं। तो देखिए, आप एक बात समझिए कि हर एक व्यक्ति जो है ना उसका एक व्यक्तिगत जीवन भी होता है, सोशल लाइफ भी होता है, पर्सनल लाइफ भी होता है। और मैं चूंकि सनातन से आता हूं, मैं इस बात को बहुत पुरजोर तरीके से रखना चाहता हूं कि आप अगर मुसलमान हैं तो आप बिल्कुल मुसलमान दिखिए, आप अगर हिंदू हैं तो आप बिल्कुल हिंदू दिखिए, और इसमें कोई दिखावा नहीं है। आपका कपड़ा, अगर हमारे गांव में हमारे दादाजी धोती पहनते थे और वही धोती राकेश पांडे लंदन में पहनते हैं, मेरे बच्चे अगर सोने के पहले शिव जी का जाप करते हैं, तो ये मेरी परंपरा है, ये मेरा कल्चर है।
तो इसको प्रदर्शित करने में या छुपाने में कोई गुरेज नहीं है मुझे। मेरी मर्जी है, मैं इसको दिखाऊंगा। आपको पसंद है तो देखिए, नहीं पसंद है तो मत देखिए। आप आकलन करना चाहते हैं तो आप आकलन कीजिए, आप आकलन नहीं करना चाहते हैं, आप मुझे इग्नोर करना चाहते हैं, आप इग्नोर कीजिए। लेकिन मैं टीका भी लगाऊंगा, मैं भगवा भी पहनूंगा और मैं कलेवा भी बांधूंगा। आपके इन जवाबों से एक बड़ा बेसिक सा सवाल आया, क्योंकि आपको देखने वाले लोग बहुत हैं जो बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब एक आपकी जर्नी बहुत अच्छी है कि कोई बिहार से निकल कर एक दूसरे देश में जाता है, वहाँ इस्टेब्लिश होता है। मतलब अगर मैं एक लाइन में कहूँ कि आखिर आप इतने बोल्ड और टू द पॉइंट कैसे हैं, मतलब ये कैसे खुद को क्या कैसे ग्रो कर रहे हैं आप कि नहीं अब मुझे बिल्कुल यही इसी पे रहना है, हाँ एकदम मेरे सारे जवाब जो हैं ये तय है? तय नहीं, मैंने ना तो सवाल तय किए ना जवाब तय हैं, लेकिन आप बहुत फोकस्ड हैं। जो मैं हूँ मैं वही बोलता हूँ। हाँ, बहुत फोकस है, कैसे तय करते हैं क्योंकि सिचुएशन तो मूव कराती है। आप लोगों को लगता है कि जर्नी बहुत शानदार रही, जर्नी जब नदी जो है ना पहाड़ों से निकलती है तो रास्ते में पत्थर से टकराती है, और वो पत्थर से टकराने का आनंद लेती है, इसलिए उसमें कलकल की आवाज़ होती है और आप देखते हैं नदी को कभी किनारे में बैठी कितना अच्छा लगेगा। तो मेरी जर्नी बहुत दुर्गम रही है, जर्नी बहुत आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल जर्नी रही है, बहुत उपहास भी झेला है, बहुत प्रताड़ना भी झेली है, बहुत इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको कहते हैं वो भी हमने देखा है, क्योंकि हम इंडिया से आते थे, बिहार से आते थे, हमारी अंग्रेज़ी उतनी अच्छी नहीं थी। कई बार अंग्रेज जब कुछ इंग्लैंड में लोग बोलते थे तो उनकी इंग्लिश एसेंट बिल्कुल अलग होती है, तो कुछ चीज़ें समझ में भी नहीं आती। लेकिन क्या है कि आप बाधाओं से लड़ते रहें और आप समस्याओं से लड़ते रहें और आगे बढ़ें, यही होना चाहिए। दूसरी बात, करेक्ट कुछ नहीं है, जब आप जो हैं वही कहेंगे तो करेक्ट होगा, जब आप जो नहीं हैं वो कहेंगे तो इनकरेक्ट होगा, ये सिंपल है। तो कभी आपको मतलब जैसे चूंकि आपने जिक्र किया तो कभी बिहारी शब्द या किसी ने कह दिया हो कि बिहारी है, या इस शब्द को सुनने के बाद आपको ठेस थोड़ी लगी हो कि यार थोड़ा तो गड़बड़ है, मुझे इस इमेज को सुधारना होगा, खुद पे काम करना होगा, कभी ऐसा क्लिक? दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे पढ़ने तो उस समय बिहारी शब्द जो था, बिहारी ही है, आज भी आप बिहारी कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उस समय हमारा जो स्तर था बहुत छोटा था, हमारी जो पहुंच थी वो भी छोटी थी, हमारा जो परफॉर्मेंस था वो भी छोटा था, तो उस वक्त लगता था कि एक शब्द जो यहाँ के लोकल लोग दिल्ली में यूज़ करते हैं तो वो बिहारी, और ख़ासकर बाकी लोगों के लिए, इनफैक्ट जो लेबर क्लास के लोग हैं उनके लिए यूज़ करते थे, तो थोड़ा डेरोगेटरी ज़रूर लगता था। लेकिन क्या है कि दो तरह का व्यक्ति होता है, एक तो होता है जो सुख में दुख को ढूंढता है, पूरा जीवन उसका सुखमय है फिर भी वो कुछ दुख की चीज़ें ढूंढ लेगा, और एक व्यक्ति होता है जो दुख में सुख को ढूंढता है। तो मैं जनरली दुख में सुख को ढूंढने वाला व्यक्ति हूँ, और मुझे ये डेरोगेटरी को ही साबित करना था कि आप मुझे बिहारी बोलो अच्छे शब्द में, अच्छे लहजे में, या आप बुरे लहजे में, आपको ये मानना पड़ेगा कि मैं आपसे सुपीरियर हूँ, तो इसलिए मैं इस तरह काम करता रहा। अच्छा, जैसे आप चूंकि फॉरेन में रहते हैं, वहाँ का एक अपना डेवलपमेंट है, वहाँ से आप बिहार को देखते हैं, तो सबसे बड़ी कोई मैं कहूँ आपको कि जो तीन चीज़ आप मिस कर रहे हैं कि काश ये तीन चीज़ें होती तो बहुत बेहतर होता, बहुत अच्छा होता, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन के व्यू से मैं आप जवाब देना चाहें तो, या कुछ लोकल स्तर पर दिक्कत हो रही है, या हम लोगों के एजुकेशन के लेवल पर प्रॉब्लम है? देखिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये होती तो अच्छा होता, मुझे एक चीज़ बहुत तकलीफ़ होती है बिहार से, और जिसको मैं हमेशा बोलता भी हूँ, बिहार में जातिवाद पराकाष्ठा पे, इसको देखता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है। क्योंकि देखिए, मेरे एक पढ़ाई के दौरान मेरा जो रूममेट था वो भी दलित था, और हम लोग भाई जैसे रहे। पढ़ाई के दौरान जब थोड़ा काम धाम शुरू करने लिया, कि जिसने मेरी मदद की वो मुसलमान था, हम लोग आज भी अच्छे दोस्त हैं, वो US में है। लेकिन बिहार में ये चीज़ें, रेडिकलाइजेशन बहुत गड़बड़ है, रेडिकलाइजेशन पराकाष्ठा पे है, स्पेशली कास्ट लाइन को लेके, वो चीज़ें देखता हूँ तो लगता है ये नहीं होती तो अच्छा होता। अब रही बात होने की, तो होने में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि यार हम लोग, हमारे यहाँ रोज़गार होती, क्योंकि अगर रोज़गार होगी तो ये जो खाली युवा जो भटक रहे हैं ना, जो नेताओं का झंडा ढो रहे हैं, जो भीड़ तंत्र का हिस्सा बन रहे हैं, वो शायद नहीं बनते। अगर स्वास्थ्य और शिक्षा पर बात होती तो हमारे लोग वेल्लोर इलाज कराने नहीं जाते, हमारे लोग दिल्ली इलाज कराने नहीं जाते, हमारे जो लोग अपना ज़मीन बेच के अपना इलाज कराते हैं वो नहीं होता। अगर गवर्नमेंट उस लेवल पे काम करती, और शायद करेगी, ऐसा मेरा मानना है। और शिक्षा के क्षेत्र में, इसलिए कि शिक्षा को तो मैं नहीं बोलूँगा, बिहारी को आप, ऐसा है कि बिहारी सूर्य के समान है, आप उसको कमरे में ही बंद कर देंगे तो रोशनी हो जाएगी। आप उसको बिहार में रखें, चाहे आप उसको कोटा में रखें, चाहे आप उसको लंदन में रखें या दुबई में रखें, वो उसके अंदर एक ऐसा तत्व है, वो मटेरियल है कि वो चमकेगा, आप उसको बांध नहीं सकते बहुत दिनों तक, ये मेरा मानना है। राकेश जी, आपने भी बताया कि अंग्रेज़ी में भी दिक्कत होती थी, और जाहिर सी बात है बिहार से आते हैं तो
हमारी हिंदी और अंग्रेजी दोनों अलग होती है बिहार से। बिल्कुल हमारे तो साथ 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 सब चली है। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, उसके बाद जब शुरुआत की आपने फॉरेन में जाकर, ये कंपनी की शुरुआत कैसे हुई? नहीं देखिए, मेरा सफर थोड़ा बीच का बहुत लोग डिलीट कर देते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं। तो क्या होता है ना, जब आप सफल हो जाते हो तो फिर एक ही हिस्सा लोग देखते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार में मेरी कहानी थी कि मैं मौर्या में वेटर का काम करता था या पेपर भी बेचे हैं, तो दिल्ली गया तो मैंने पार्ट टाइम जॉब शुरू किया, क्योंकि मेरे को बाबू से पैसे मांगने में इतना अच्छा लगता नहीं था और मुझे जीन्स पहनने की बहुत लत लग गई थी, और अच्छे जीन्स और वुडलैंड का जूता ऐसा लगता था उस दौर में। तो मैं वहाँ भी पार्ट टाइम जॉब करता था। उसके बाद फिर मेरी शादी हो गई, और शादी के बाद मैंने 2 साल तक तो एक कंपनी ABB उसमें नौकरी की। नौकरी करने के बाद मैंने ठेकेदारी की, जिसमें झारखंड था, छत्तीसगढ़ था, और कुछ बंगाल का भी हिस्सा था, जिसमें मैं जितनी स्पॉन्ज आयरन बनती थी उनका मैं इलेक्ट्रिकल का पूरा काम कॉन्ट्रैक्टिंग करता था। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी कुछ काम किया, और उसके बाद 2008 में मेरे एक मित्र हैं, नारायण हृदयालय एक हॉस्पिटल है, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, और वो मुझे थोड़ा सा उन्होंने मोटिवेट किया कि यार अगर आपके पास फाइनेंस है और आपके पास जज्बा है तो आप ये मेडिकल लाइन में आओ, बहुत बढ़िया लाइन है। तो फिर ये सफ़र जो है 2008 से शुरू हुआ मेडिकल का, और तब बहुत बेसिक से शुरू हुआ। उसे नरेश त्रियान साहब को मैं मिलता था, उस समय मेडिकल टूरिज्म का काम शुरू किया। तो मतलब देखिए, मैं मुझे आज भी याद है, यूक्रेन में गवर्नर ने मुझसे एक सवाल पूछा था इंद्र मोहन जी की, मिस्टर पांडे आप आर यू ए फार्मासिस्ट, आर यू ए डॉक्टर और यू ए साइंटिस्ट? तो मैंने कहा मैं इन तीनों में से कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आप ये फार्मा कंपनी जो चला रहे कैसे चलाते? तो मैंने कहा मिस्टर एलन मित्तल साहब, जो एलन मित्तल साहब स्टील के जाइंट हैं, ही इज़ रनिंग द लार्जेस्ट बिगेस्ट स्टील प्लांट इन खीर, बट ही हैज़ नॉट डन मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग। तो उन्होंने कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं करी है। तो एंटरप्रेन्योर होना और प्रोफेशनल होना दोनों में फ़र्क है। एंटरप्रेन्योर एक सपना देखता है, और वह सपने को पूरा करने के लिए एक टीम बनाता है, लोगों को जोड़ता है, और फिर उनसे कहता है कि आप मेरे सपने को पूरा करने के लिए एग्जीक्यूशन करिए। तो यही लाइफ है, दिस इज़ हाउ लाइफ गोज। तो हमको कोई इसमें दिक्कत तो हुई नहीं, उस हिसाब से देखें तो ऐसे ही चलता है। फिर वहाँ से शुरुआत कैसी हुई आपने? नहीं, फिर हेल्थ केयर में बहुत से, फिर इंडिया में कंपनी खोली 2011 में, तो लगा कि नहीं इंडिया में लोग आपको इतना भाव नहीं देंगे क्योंकि आप नई कंपनी हैं, आप किसी को समझाएंगे वो भी नहीं सुनता था आपकी बात। फिर मैं यूरोप में शुरू किया, उज्बेकिस्तान शुरू किया। उज्बेकिस्तान में लोगों ने मेरा अप्रिशिएट किया मेरी चीज़ों को, वहाँ की गवर्नमेंट ने बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि उनके यहाँ बहुत हेल्थ का प्रॉब्लम था। तो मैंने हर बात उनके यहाँ कोशिश की कि वहाँ लोकल हो जाए, लोकली ये चीज़ उपलब्ध हो जाए। दे अप्रिशिएटेड इट, उन्होंने सपोर्ट भी किया। फिर यूरोप में चला गया, यूरोप में मुझे लगा कि एक R&D सेक्टर है जिसमें फ्यूचर है। जैसे आज भी मैं जो काम कर रहा हूँ अबू धाबी गवर्नमेंट के साथ, वो हम लोग पॉपुलेशन जीनोमिक्स पर बात कर रहे हैं। मतलब जैसे ऑलमोस्ट 8 बिलियन लोग हैं दुनिया में, उनका प्लान है कि 30% लोगों का जीनोम मैपिंग करना है। जीनोम मैपिंग करने से फ़ायदे ये हैं कि आप जितने भी डिजीज़ हैं जिनका फ्यूचर में आपको सामना करना पड़ सकता है, वैसे आप आपकी जीनोम के कोड से आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो दवाइयों का सेवन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जेनेटिक इंजीनियरिंग बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, फिर R&D में आए। जब थोड़े पैसे ज़्यादा हो गए जेब में तो फिर बिहार याद आ गया। जनरली लोगों को पैसे ज़्यादा होने के बाद बिहार याद नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है, लेकिन मेरे को लगा कि नहीं अब गांव चलना चाहिए। गांव आए तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ये चुनाव लड़ने आए हैं। इत्तेफाक़ से अभी तक चुनाव नहीं लड़े हैं, काम हो रहा है, देखिए। आपने काफ़ी सारे चंपा के पेड़ भी लगवाए थे। हाँ, मतलब वो देखिए क्या था, चंपारण्य है तो चंपारण्य है। सुशील कुमार जी हैं KBC विनर, उनका ये कॉन्सेप्ट था। फाइनेंशियली मेरे पास, मैं थोड़ा साउंड हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं लगवाता हूँ। तो उससे बहुत सारा काम हम लोगों ने चंपारण में किया, चंपा के पौधे लगवाए। इनफैक्ट बच्चों को मुझे लगा कि उनको इन्वॉल्व करना चाहिए साथ में, तो उनको फाउंडेशन से जोड़ा। उनको हर महीने सैलरी जाती है तो वो उनका घर चलता है ढंग से, वो सड़क पे नहीं घूमते, वो काम करते हैं। उनको डांटना भी पड़ता है, समझाना भी पड़ता है। फिर कोविड का दौर आ गया, तो कोविड में जो हमसे बन सकता था वो हम लोगों ने किया। एक आपकी कहानी पेट लवर की भी है कुछ आप? मैं बता रहा था आपको कि CSR तो मैं इंडिया से बाहर बहुत करता हूँ। मेरे साथ 2 ऑर्फनेज हैं बच्चों के, 450 डॉग्स हैं जिनको मैंने गोद लिया हुआ है, जिनको मैं खाना रहना सब व्यवस्था करता हूँ। तो है, इंसान है तो आपके अंदर गुण अवगुण दोनों हैं, तो मेरे कुछ गुण भी हैं, मेरे कुछ अवगुण भी हैं। लेकिन क्या है कि मुझे लगा कि नहीं, ये सब चीज़ें बाहर करने के बजाय अगर बिहार पर फोकस करें तो बिहार में हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब कितने लोगों को पता होगा कि, इनफैक्ट मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन भी तैयार कर दे रहा हूँ,
कि अयांस में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मदद की फाइनेंशियली तो राकेश पांडे था, जिसने 5 लाख रुपए दिए। बहुत बड़े बड़े कमिटमेंट हुए लेकिन, हाँ, लेकिन किस बहुत कम लोगों को पता होगा कि जब पुलवामा में अटैक हुआ और बिहार से 3 CRPF के लोग मरे तो मसौड़ी में जाके मैंने एक परिवार को 10 लाख रुपए दिए। तो ये चीज़ें बहुत कम लोगों को पता है, भूल जाते। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इंसान को भूलने की आदत है, वो आज कोई चीज़ पे बहुत उद्वेलित रहेगा, कल भूल जाएगा। ये तो आपने चूंकि मुझे भी इस तरफ टॉस कर दिया था तो सवाल तो बनता है, इसीलिए आप सवाल कि अगर सपोज करिए किस कोई ज़रूरतमंद है और उसे आप तक पहुँचना है तो वो कैसे पहुँचेगा, उसे उसकी मदद आप कैसे करें? मैं आपको एक बात बताऊँ, छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। पिछले फरवरी की बात है, एक सुगौली में एक मुस्लिम लेडी है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो सोशल मीडिया पे आया भी था। तो रात को 2 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया कि मेरे हस्बैंड का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया मोतिहारी में और उनका इलाज ठीक से नहीं हो रहा है। तो फिर हमने उनको पटना में भर्ती कराया और तीसरे दिन उनका कॉल आया कि वो हमारे उनका देहांत हो गया, तो उनकी पोस्टमार्टम नहीं हो रही। अब आप समझ सकते हैं कि इंडिया और UK का या दुबई का टाइम जोन बहुत फ़र्क होता है, बट फिर भी मैं कॉल उठाता हूँ और यही कारण है कि मैं बहुत कम सो पाता हूँ। तो मैं 90% कॉल खुद उठाता हूँ, मेरा नंबर लगभग चंपारण में किसी से मांगेंगे आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा हमारी टीम है, हमारे नंबर हैं, टीम है, वो ऑफिस है वहाँ पे। आप अपना आवेदन वहाँ जाके देते हैं तो उसमें से चूँकि कुछ भ्रामक भी होता है तो उसकी स्क्रूटनी करते हैं, फिर लोगों की हेल्प करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने, आप पूछ सकते हैं, ऑन TV में बोल रहा हूँ कि मुझे लगता है कि किसी पॉलिटिशियन से ज़्यादा कॉल मैं चंपारण या बिहार के लोगों का उठाता हूँ, मैं किसी का कॉल मिस नहीं करता। लगभग आप कितनी बार बिहार आ जाते हैं साल में? हर महीने आ रहे हैं। और कोई खास ओकेजन जब जरूर आते हैं, जैसे अभी आपने छठ का, छठ में तो जरूर आना है, छठ हम लोग का बिहारी लोग का पूजा है तो आना है। मेरी माता जी छठ करती है, मेरी पत्नी छठ करती है, तो हम लोग यहीं छठ करते हैं। लेकिन इसके अलावा मैं हर महीने लगभग 1 हफ्ता 10 दिन बिताता हूँ और अभी तो थोड़ा ज़्यादा बिताऊँगा क्योंकि फैक्ट्री का काम चालू है तो मुझे रहना पड़ेगा। सरकार से कितना कॉपरेशन मिल रहा है फैक्ट्री को लेकर, मतलब बिहार में? मतलब ये भी एक बड़ा सवाल होता है ना कि क्या इंडस्ट्री के लिए वेलकम स्टेट है या अभी भी बहुत सारे विंडो हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है? देखिए, मैंने आपको क्या बोला था, एक शब्द बोला था कि मैं दुख में सुख ढूंढता हूँ। तो प्रॉब्लम है, बिहार का जो औद्योगिकरण था वो कहीं ना कहीं रुक सा गया था। फिर गवर्नमेंट को लगा, वहाँ की जो भी गवर्नमेंट थी उसको लगा कि इसको रिवाइव करना चाहिए क्योंकि एक बड़ा सॉल्यूशन है ये। तो मुझे लगता है सरकार का आकलन और अवलोकन करने का काम हमारा नहीं है, हम लोग व्यापारी हैं और सरकार जो करती है वो करे। सरकार के कार्यों में आप कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ये इम्पोर्टेंट है। और रही बात कि आज के डेट में मुझे लगता है अच्छा माहौल है, लोग आ रहे हैं, काफ़ी कम एथेनॉल प्लांट्स आ रहे हैं, कुछ बड़े कंपनीज भी आ रही हैं और एक इनिशिएटिव भी गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया है। तो मुझे गवर्नमेंट से तो कोई इशू नहीं है, गवर्नमेंट अपना काम करती है लेकिन गवर्नमेंट के हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री हैं, हम लोग उनके लिए कोई चैलेंज नहीं है और ना ही मेरे को उसमें टीका टिप्पणी करने में कोई आनंद आता है कि सरकारी लोग कहते हैं सरकार ये नहीं करती है, सरकार वो नहीं करती है। देखिए, सरकार के भाई अपना दायरा है और अपनी सीमाएं हैं, उनको भी उसी में काम करना है। फंड्स के प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस का इशू होता है, बट मुझे लगता है कि वो जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, उसमें हम क्या और अच्छा जोड़ सकते हैं ये इम्पोर्टेंट। एक एलिगेशन की भी बात आई थी, एक यूट्यूबर हैं मनीष कश्यप, उनका जो पूरा तमिलनाडु का प्रकरण चला और उस प्रकरण की वजह से कईयों को नोटिस है, वो खुद फिलहाल जेल में है। उसमें सोशल मीडिया पे आपसे जोड़कर भी कई सारी खबरें आई, खबरें ये आई कि क्या आप उनको फाइनेंस कर रहे थे, खबरें ये आई कि आप उनको मदद भी करने वाले थे शायद जब वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं थे, इस तरह के कई एलिगेशन लगे। तो इसकी सच्चाई क्या है? क्या आप मनीष कश्यप को जानते हैं, उनसे कितनी बार मिले हैं और क्या किसी संस्था जो जाँच कर रही है क्या उसने आपसे संपर्क किया है कि आप भी जाँच के लिए हाजिर होइए? मैं आपको बहुत विस्तार से इस सवाल का जवाब दूँ क्योंकि ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है और पहले व्यक्ति हैं जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, जनरली मैं इसको इग्नोर कर देता हूँ। मैं हर आदमी को बोलता हूँ कि अगर कोई विद्यार्थी पॉलिटिकल साइंस का हो तो उससे फिजिक्स का सवाल मत पूछे, तो जिसका जो सब्जेक्ट है उसका उस सवाल पूछना चाहिए। तो मेरे साथ ये प्रश्न ही बेमानी है, नंबर एक बात। और जो लोग भी सोशल मीडिया पर ये कर रहे थे उनका या तो कहीं दिग्भ्रमित थे या उनका कोई वेस्टेड इंटरेस्ट होगा, कई बार बदनाम करने में भी नाम होता है, ऐसा कुछ मुझे लगा। फिर हम लोगों ने उस पर लीगल नोटिस वगैरह सर्व किया, फिर चीज़ें अपनी तरह चलती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि चंपारण में मुझे लगता है 90% आप किसी गांव में भी जाके पूछेंगे तो लोग मुझे जानते हैं। और 2018 में दुबई में बेतिया के 2 बच्चे, रिंकू और एक और लड़का था नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों को वहाँ पर कोई नौकरी के बहाने ले गया था और उनको समस्या आ गई थी। बाद में उनके खिलाफ़ वारंट निकल गया था। एम्बेसी में भी, एम्बेसी मदद तो करेगी बट एम्बेसी फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर सकती।
उनका जुर्माना भरना था, ये सब काम नहीं कर सकती है एम्बेसी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह तो सबका भरना शुरू कर दिक्कत आएगी। तो उस दो बच्चे के सिलसिले में सबसे पहले मुझे मनीष कश्यप ने संपर्क किया और मैंने उन दोनों बच्चों को फिर उनकी पूरी फीस, वहाँ जो फाइन थी वो भरी, उनको कपड़े वपड़े खरीदे, उनकी टिकट बनवाई और उनको बिहार भेज दिया। और उसके बाद जिसको भी उस पर लाइमलाइट लेना था या जिसको भी उस पर पॉइंट्स स्कोर करने थे, उन्होंने किया, क्लेम किया कि हमारी वजह से आया, हमारी वजह से आया। हमारे एक सांसद महोदय थे, उन्होंने भी क्लेम किया, बट मुझे मालूम है कि वो कैसे गए और कैसे नहीं गए। दूसरी मुलाकात मनीष से मेरी हुई थी अयांस के केस, अयांस का अब उन्होंने आह्वान किया था, उसको मदद चाहिए, और मैंने 5 लाख रुपये अयांस को दिए थे। और तीसरी मुलाकात हुई थी एयरपोर्ट। दूसरी बात यह है कि आप लोग पत्रकार हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, तो पत्रकार में और ब्लॉगर्स में और यूट्यूबर में फ़र्क होना चाहिए। रही बात की एलिगेशन लगाने की, तो मेरे ऊपर ये दो एलिगेशन लगाए गए थे कि एक तो मैं फंडिंग करता हूँ, तो मैं किसी भी संस्था को फंडिंग नहीं करता, मैं व्यक्तियों के समूह या व्यक्ति को फंडिंग करता हूँ। और फंडिंग क्या करता हूँ, मैं फंडिंग शब्द गलत होगा, मैं उनको सहयोग करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। अगर कोई बीमार है, अगर किसी को कैंसर है और वो मुझसे कहेगा, आप अगर ये सोचेंगे तो आप लोगों को पता नहीं है, उस समय 2008 ईस्वी में चंपारण में एक हेल्थ कैंप लगाया गया था पुलिस लाइन में, उसमें जो पेशेंट थे उसमें से दो पेशेंट को कैंसर डिटेक्ट हुआ था और उस पेशेंट का इलाज मैंने 2008 में कराया था। 2008 में तो मैं इतना पॉपुलर नहीं था, चूँकि मीडिया नहीं थी मेरी, उतनी लोगों को चाहत नहीं थी, तो ये बात पता नहीं। तो सहयोग एक विषय है जो सहयोग करता हूँ मैं, लेकिन मैं किसी पत्रकार, किसी ब्लॉगर और किसी पॉलिटिशियन को कोई सहयोग नहीं करता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि ये मेरा क्षेत्र नहीं है सहयोग करने का। और मैं कोई धन्ना सेठ नहीं हूँ कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं अडानी अंबानी नहीं, या कोई बड़ा बिजनेस ग्रुप नहीं हूँ मैं, इनफैक्ट मैं कोई बजाज ग्रुप नहीं हूँ, मैं कोई ITC नहीं हूँ। तो मेरी सीमाएं हैं, मेरे पास जो धन है उनका सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं करना है। तो इसका कोई ना तो एविडेंस है और ना इसकी एविडेंस तब खोजने की ज़रूरत है जब ये हुआ हो, जो घटना ही नहीं हुई हो तो उसकी एविडेंस भी खोजने की ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको बहुत लाइटली लिया। इनफैक्ट मुझे भी कई लोगों ने कहा कि आप मनीष कश्यप के विषय में आवाज़ उठाइए, तो मेरा ये मानना है कि आप व्यक्ति कोई भी हो, अगर राकेश पांडे बहुत ही समाज सेवी हों और सड़क पर चलते हुए किसी को धक्का मार दें, तो मोटर व्हीकल एक्ट में जो धाराएं लगनी चाहिए वही लगेंगी और जो मेरे को जुर्माना होना चाहिए वही होगा। ये कहेंगे कि आप बहुत समाज सेवी हैं और बिहार के लिए सोचते हैं इसलिए आपको फ्री कर दिया जाए, इसमें मेरा विश्वास नहीं है। तो ये एक विषय था जिस पर एलिगेशंस लगे कि हाँ भाई आपने उनको फंडिंग की। किसी ने ये भी लिख दिया कि बागेश्वर धाम को आपने बागेश्वर धाम बनाया, किसी ने ये भी लिख दिया कि आपने उनको भगाने की कोशिश की बिहार से। तो मैं ये सब काम नहीं करता हूँ। अगर मेरे फादर भी कोई क्राइम करेंगे तो मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो उनके पक्ष में पैरवी करूंगा। मेरा अपना एक वसूल है ज़िंदगी का और उसी वसूल की वजह से मैं आज यहाँ हूँ, नहीं तो मैं अगर डाइल्यूट करता रहूँ अपने वसूल को और चीज़ों को चेंज करता रहूँ तो मैं शायद यहाँ नहीं पहुँच पाता। और मेरा ये कहीं ना कहीं मानना है कि जो सिस्टम है, आप कोई भी बड़े व्यक्ति हो या छोटे व्यक्ति हो, आपको सिस्टम को फॉलो करना चाहिए और सिस्टम जैसे चाहता है या जैसे करता है उसका अनुपालन करना चाहिए। तो मुझे फिर बोलूँगा कि ये सवाल मेरे लायक है नहीं, बट लोगों में उत्सुकता है, आपको भी उत्सुकता थी, आपने पूछ लिया, लेकिन इसमें सब बेबुनियाद बातें हैं और किसी एजेंसी ने मुझसे आज तक कोई संपर्क नहीं किया। राकेश जी, आपने पहले क्लियर कर दिया कि आप व्यापारी हैं और कमर्शियल क्वेश्चन का ही आंसर आप कर सकते हैं क्योंकि आपका क्षेत्र वही है, जोन वही है, लेकिन क्योंकि आप एक नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, इसलिए ये सवाल मैं आपसे कर रही हूँ। मौजूदा जो सरकार है उनके कार्यकाल को देखते हुए संतुष्ट हैं क्या? मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा कि सरकार चुनने वाले कौन हैं? हम ही लोग हैं, तो ये हमारी सरकार ही हुई। पार्टी अलग हो सकती है, सरकार तो हमारी ही होगी ना। पार्टी को आप वोट देते हैं, वो पार्टी सरकार बना लेती है। तो मेरे जैसे जैसे अगर मैं किसी पार्टी का समर्थक हूँ तो बिहार में दूसरी पार्टियों के भी समर्थक हैं और उन्होंने उनको वोट दिया है, उनको माननीय बनाया है, उनको एक संवैधानिक पद दिया है और वो अपना काम कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति के संतुष्ट और असंतुष्ट होने का प्रश्न नहीं होता। नहीं, लेकिन एक एक वोट की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन मैं चीज़ों को जोड़ सकता हूँ, मैं प्रश्न उठा सकता हूँ जहाँ मुझे लगेगा। लेकिन जो ट्रेंड पिछले 2 साल में सेट हुआ है गवर्नमेंट में बिहार में कि भाई औद्योगिकरण पे काम करना है, या ये जो नेतृत्व अभी नई चेंज हुई है सरकार, वो लोग जो काम कर रहे हैं युवा, देखिए युवा तो बहुत लोग हैं, युवा तो आप लोग राहुल गांधी को भी 50 साल, तो मुझे भी आप लोग युवा ही कहते होंगे जबकि मैं 46 साल का हूँ। तो युवा की परिभाषा मेरे हिसाब से अलग है। युवा वो व्यक्ति है जो, युवा तो उम्र के हिसाब से नहीं बोलेंगे, कर्म के हिसाब से युवा बोलना चाहिए, पर ठीक है, युवा की सरकार है, युवाओं की सरकार है, पुराने मुख्यमंत्री साहब भी हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन मैं
कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी किसी सरकार पर नहीं करना चाहूँगा। हाँ, ये जरूर कहूँगा कि जो वो कर रहे हैं उससे थोड़ा और ज़्यादा उनको करना चाहिए। जब वोटिंग होती है तो आप आते हैं? मैं वोट करने आता हूँ, मैं वोट करने आता हूँ। कई लोगों ने तो ये भी हल्ला उठा दिया था। देखिए, अगर हल्ला उठाने की आप बात करें, आपके चैनल से मैं बताऊँगा, जब मैं नया नया चंपारण है तो लोगों ने कहा कि इनकी शादी जो है वो किसी मुसलमान हैं या इस्लाम के मानने वाले हैं, दुबई के शेख की बेवा हैं, उनसे हो गई है, इसलिए इतने पैसे हैं इनके पास, इसलिए ये सब करते हैं। जबकि कायदे से हमारी लव मैरिज है, मेरी वाइफ बाईकास्ट राजपूत हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, और हम लोग कास्ट में विश्वास नहीं करते, इसलिए इंटरकास्ट मैरिज भी है। लेकिन बहुत तरह की गप जो है ना चाय की दुकान पर चलती है, तो सब पे ध्यान देने की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती है, बट सुनते ज़रूर हैं, हम लोग एनालाइज़ करते हैं, समझते हैं, और इस तरह की बहुत सारी अफवाहें हमारे बारे में उठती रहती हैं, तो आगे भी उठती रहेंगी। इसमें कोई नहीं, 5 साल बाद अगर बिहार को देखा जाए, वो फेम अगर आपके सामने आए, क्योंकि आप भी, आपने कहा भी कि हर महीने आप आते हैं यहाँ पे, काम करते देखते हैं, बिहार की तस्वीर आप बखूबी समझते हैं, और यहाँ से आप गए हैं तो बचपन भी यहीं पे बिता हुआ है, तो 5 साल के बाद तस्वीर बदलती हुई दिख रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है 5 साल के बाद जो हमारा टैलेंट है वो तो बढ़ेगा ही, साथ के साथ जो अगर जिस हिसाब से औद्योगिकरण की दिशा में कार्य हो रहा है तो थोड़ा पलायन भी रुकेगा, और जो स्किल्ड लोग हैं वो वापस आएंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी चेंजेस आएगा। मतलब मैं ये तो नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि मैं भी चाहता हूँ कि मेरा राज्य जो है वो भी गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली की तरह खूबसूरत हो, संपन्न हो, निपुण हो। एक आखिरी सवाल मैं ले लेता हूँ आपसे, बिहार में कुछ नए पॉलिटिशियन, मतलब नए पॉलिटिशियन, हालांकि आप युवा कह रहे हैं, मतलब अगर मैं पूछूँ आपको टू द पॉइंट कि ये इन 3-4 में से आपको क्या लगता है कि इनका स्कोप बहुत अच्छा है, या ये बहुत अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं, या विजनरी लोग हैं, जैसे एक है चिराग पासवान, एक है मुकेश सहनी, तेजस्वी यादव, कन्हैया और प्रशांत किशोर, ये 5 चेहरे हैं जो कहें तो हम अब राजनीति की नई पीढ़ी ने कह सकते हैं कि जब ये बिहार की राजनीति की, नहीं, इन 5ों में आपको क्या लगता है कि बिहार में कौन बेहतर है, अच्छा विजनरी कौन है, एज ए वोटर आप मुझे बताइए। आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, आप उससे समझ जाएंगे। एक वाक्य है कि एक लेखक उसमें बोलता है कि उत्तरदायित्व का बोध बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है। एक लेखक अपनी लेखनी से कितनी निर्ममतापूर्वक मंत्रिमंडल के सदस्यों पर प्रहार करता है, किंतु वही लेखक जब स्वयं उस मंत्रिमंडल में शामिल हो जाता है तो उसकी वही लेखनी उतनी मर्मज्ञ न्यायपरायण हो जाती है। तो क्या है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी तो ऑफकोर्स, जब आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि आप बहुत न्यायपरायण हो जाएंगे, बहुत कर्तव्यनिष्ठ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है ये युवा हैं, इनको आना चाहिए, और अगर इनको मौका मिलता है तो मैं इसी पॉजिटिव भावना के साथ कि ये बहुत ही अच्छे ढंग से बिहार को संभालेंगे। तो किन्हीं एक को अगर सेलेक्ट करना हो? नहीं, मैं बहुत सेलेक्टिव नहीं हूँ पॉलिटिशियंस के लिए, मैं किसी एक से प्रेम नहीं और किसी से द्वेष नहीं है, मुझे लगता है सभी लोग नए हैं, इनके डिपेंड करता है कि इनको मौका कब मिलता है और किस स्तर का मिलता है, तभी परफॉर्मेंस तय की जा सकती है। अब आप फुटबॉल के मैदान के बाहर रह के किसी व्यक्ति के बारे में ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये पेले बनेगा। जब तक आप मैदान में नहीं उतरते हैं तब तक आपकी जो पराकाष्ठा है, आपके कर्म की या आपके परफॉर्मेंस की, वो नहीं नापी जा सकती है। तो मुझे लगता है जब इनको रोल मिलेगा तब तय होगा कि किसने क्या काम। एक हम लोग जो भी प्राउड बिहारी होते हैं ना, उनसे एक आखिरी सवाल पूछते हैं, बिहार में शराबबंदी है, क्या इसको सही मानते हैं? देखिए, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मेरा मानना है कि शराबबंदी कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस है, ये मेरी अपनी विचार है। दूसरा क्या है कि शराबबंदी होते हुए भी शराबबंदी कहीं ना कहीं किसी स्तर पे बिहार में फल फूल रहा है, और डिसेंट्रलाइजेशन जो हुआ है, चूँकि चीज़ें बंद हो गई, सेंट्रलाइज पहले होता था, बंद हो गई, तो हर नुक्कड़ गली में लोगों को एक पैसा कमाने का एक इलीगल जो जरिया है, जो असंवैधानिक भी है, अनैतिक भी है, वो मिल गया है, और युवा जो हैं थोड़ा इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, और बेसिकली आप देखें तो आप शराब की पॉकेट्स क्रिएट होने लगी हैं क्षेत्र में, हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार उनको पकड़ती है, क्योंकि हमारा बॉर्डर नेपाल से जुड़ा हुआ है, बॉर्डर झारखंड से जुड़ा हुआ है, बड़ा पोरस बॉर्डर है, तो इसमें तस्करी भी है, इसमें कुछ लोग शामिल भी हैं जिनको इसका फ़ायदा लगता है। तो कुल मिला के मुझे देखा जाए तो मेरे हिसाब से ये जो अभियान है ये बहुत अच्छा अभियान था, लेकिन ये अभियान हमारी जो भौगोलिक स्थिति है बिहार की, उसके हिसाब से ये उतना सफल नहीं हो पाया। बिल्कुल, तो ये थे राकेश पांडे जी, जो प्राउड बिहारी तो हैं ही, क्योंकि इनके जो कर्म है, जो कर्तव्य है, उससे इन्होंने साबित कर दिया है कि एक बिहारी सब पे भारी, और जिस तरीके से विदेश की धरती में बिहार के टैलेंट का लोहा मनवा रहे हैं, ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि बिहार के लोगों में जो टैलेंट है उसका कहीं ना कहीं विदेशों में उचित इस्तेमाल हो रहा है, और वो रिसोर्सेज बिहार में भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है।
जिस तरीके से आपने बोला राकेश जी कि मेरा सपना है कि 5 साल में बाद बिहार में एक बदलती हुई तस्वीर दिखे, उम्मीद करते हैं कि वो तस्वीर 5 साल के बाद देखने को मिलेगी बिहार की धरती पर। बाकी बिहार तक पे तमाम बिहार की खबरें देखते रहिए और बने रहिए बिहार तक।